हेलो गाइस, वेलकम टू किचन गॉड वर्ल्ड। आज आप देख रहे हैं मंगलवार की मंडी अजमेर बकरा मंडी से, और जिसके अंदर काफ़ी कट्टू माल और एंड बकरा बकरी आते हैं, जिसके अंदर कि आप देख सकते हैं कि आज मंगलवार के दिन काफ़ी कट्टू एक्सपोर्ट होता है आसपास के सिटी के अंदर और अजमेर के अंदर। जो भी दरगाह के आसपास दुकानें हैं, काफ़ी यहाँ पर लेवाल आते हैं क्योंकि कट्टू का मार्केट चलता आज के दिन, जिसमें देख सकते हैं कि गाड़ियाँ तो काफ़ी आई है और जो सुबह जल्दी आता वो छटाया माल बचता थोड़ी जब लेट आता जब, जिसमें देख सकते हैं कि भेड़ मेंढे काफ़ी आते हैं और इसके अंदर कट्टू माल दुकान का माल काफ़ी आता है आज के दिन। जिस भाई को लेना है वो अजमेर आ सकता है। अभी पालने वाले माल कुछ दिखा नहीं है आज पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी 3 बज रही है और मंडी अपने शाम रात तक अंधेर तक चलती है, जिसके अंदर कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाड़ियां तो खड़ी है और जिसकी गाड़ियां भी है और पहाड़ बकरियां ज़्यादा आई है आज के दिन, और माल कुछ दिख नहीं रहा है पालने लायक। तो आगे आपको अपडेट देंगे पूरी की पूरी, और आप मेरे चैनल पर बने रहे, वीडियो में बने रहे, स्किप मत करना, और आगे ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करें सब्सक्राइब करें। जिसमें ये देख सकते हैं कि जो गाड़ी के अंदर अपने बकरे एंड हो जाते हैं तो उनको काट के पटक देते हैं, इनकी जो बोली लगती है जो ज़्यादा रेट लगा था वो बिक जाता है, और ये दुकानों में बिकते ऐसी चीज़ें। तो देख सकते हैं कि आजकल हर जगह हरामखोरी के हिसाब से ही सब कुछ चलता है, क्योंकि आपको सबको कमाना है। तो आप देख सकते जो एंड होती रहती है, देखो जो कुछ लार्ज स्टेज पर थी उसकी छुरी फेर देते हैं यहाँ पर ही, और जिसके अंदर कि अपना बिल्कुल मतलब कि दुकान पे बिकता है, यहाँ पर ही पीछे बकरे साफ कर करा के लेके चल जाते हैं यहाँ से, और बाकी सब कहते हैं कि बकरे का गोश्त अब कुछ भी हो सकता है, कौन सी बीमारी है क्या बीमारी है। अब ये आपको एक दिखाएंगे बकरा, ये अच्छे बड़े सिंह के अंदर है और वाइट के अंदर है, चालीस 50 किलो के बीच में होगा एवरेज वेट, और जिसके अंदर ये औरत वाला भी है नहीं, काफ़ी अच्छा रुबाब है बकरे का। आज इतना माल आया नहीं है, और शनिवार को जिसने भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी लास्ट वीडियो, उसके अंदर काफ़ी माल दिखा होगा पालने वाला, और मंडी भी अच्छी खासी मतलब कि माल था मंडी में, आज तो कुछ है नहीं, और सेपरेट थोड़ी सी वीडियो की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं थोड़ा सा आपको आज मंगलवार का बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग मंगलवार के दिन आके बोलते हैं कि यार हमारे को माल मिला नहीं, ये नहीं मिला, आप दिला दो ये दिला दो, तो इसलिए मैं बता दूं कि मंगलवार के दिन माल आता नहीं है और कम ही आता है, क्योंकि अभी मौसम बिगड़ने लगा है और देख सकते हैं कि अभी बादल भी हो रहे हैं और बारिश परसों थी, 8-10 दिन बाद बारिश हुई, तो इसके अंदर क्या व्यापार माल लेके नहीं आता, भीग जाता, बीमार हो जाता, तो फिर रिस्क रहता है इस चक्कर में। देख सकते हैं कि सुस्त बकरे खड़े हैं काफ़ी, शायद मुझे लगता है कि बीमार है और बिल्कुल सुस्त है, और जिसके अंदर से आप देख सकते हैं कि अच्छी मतलब कि हाइट लेंथ में है पर सुस्त में है, थोड़ा बीमार है। तो अपन आगे की वीडियो बनाएंगे थोड़ी देर आगे हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देख सकते हैं ये बकरियाँ हैं बड़े फ्रेम के अंदर और बड़े हाइटेड, बड़ी ठीक ठाक बकरियाँ हैं, और जिसके अंदर ये कट्टू में भी जाती है कुछ, और कुछ पालने वाला ठीक कर लेता तो चल जाती है। इसमें देख सकते हैं कि ये भी बकरियाँ हैं सारी, ये फीमेल है, अच्छे फ्रेम में है। जो भाई बोला था मुझे कमेंट करके भाई बकरियाँ दिखाओ, ये देख सकते हैं बकरियाँ, इस टाइप की बकरियाँ आती है अजमेर के अंदर, गिनी चुनी जो नस्ल होती है तोतापुरी, और वो बहुत रेयरली मिलती है, और इस टाइप से अपने बकरी कट्टू और ये जो माल चलता है अपने कटने में वो इनमें तो छाट के ले लेता है, या फिर जो उसको पालनी होती है उसकी नस्ल के हिसाब से वो खरीद कर लेता। ये देख सकते हैं फुल हैवी बकरी है, साथ में इसके बच्चा है पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है ये बकरा है, पर है ये फीमेल।
यापन लगती है वो बकरी, और इसके अंदर देख सकते हैं एक मक्खी चीना है अपना मुंडा बकरा। देख सकते हैं अच्छी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ये बच्चा है, ये 17-18 किलो जिंदा वजन होगा। शायद भाई ने लिए काफी छोटा बच्चा है, और ये आगे सर्दियां हैं तो चक्कर में थोड़ा सा घबराहट भी होती लेने में। काफी अच्छी क्वालिटी में है, वाइट पिंक में है। देख सकते सारी बकरियां हैं, और जो भाई बोला था बकरियां दिखाओ, ये बकरियां हैं सारी फीमेल है। देख सकते हैं आज माल काफ़ी कम है, और कोई पालने वाली चीज़ है नहीं। एक दो बच्चा जो दिखा मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो के अंदर, और मैं रेट वेट किसी की पूछी नहीं क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं किसकी रेट पूछूं, क्योंकि कोई माल है नहीं यहाँ पर। बस ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डालनी थी कि आज के दिन माल आता ही नहीं आता, आज के दिन माल है नहीं बिल्कुल भी। वो एक बच्चा दिखा था, वो काफ़ी छोटा बच्चा है जिसके अंदर वो 17-18 किलो के आसपास जिंदा वजन होगा। ये भेड़ मेंढे और ये ज़्यादा आता है, कट्टू माल आता है मंगलवार के दिन, और शनिवार के दिन काफ़ी माल आता है, पालने लायक भी आता है, बड़े बकरे भी आते हैं। बड़े बकरे है नहीं तो मैं दिखा देता, क्योंकि कोई भाई भी बोला था कि बड़े बकरे दिखाओ, बड़े बकरे है नहीं। ये अड़क पूरी खाली पड़ी मुल्ला जी की, मुल्ला जी की अड़क पे भी कोई चीज़ आई नहीं है। देख सकते हैं पूरी आज के दिन काफ़ी माल कम आता है। और एक बच्चा देख सकते हैं इसके अंदर, ये अपना लाल में मेल है ये वाला, ये 12,000 मांग रहा है, 12,000 रेट के अंदर दे मांग रहा है, दे देगा जो भी होगा, निगोशिएबल हो जाता है। देख सकते हैं भाई बाकी जो एक दो बकरे दिखे वो ये है, और क्योंकि इनकी रेट पूछेंगे तो काफ़ी रेट मांगेंगे, हाई है, क्योंकि ये जिस दिन माल कम होता है मंडी के अंदर तो वो रेट ज़्यादा मांगता है। अभी मौसम अच्छा हो रहा है और माल भी है नहीं इतना, 8 बकरियां हैं। कट्टू माल काफ़ी है, जिस भाई को लेना हो मंगलवार को जरूर आए, कट्टू माल खरीदने सही रेट में मिल जाएगा, और वैसे मिलता था शनिवार को भी है। आज के दिन काफ़ी माल आता है, मतलब कि दुकानदारी खरीदारी ज़्यादा होती है आज। ये मुल्ला जी की अड़क पे यहाँ पर काफ़ी सूरत माल आता है, ये आज खाली पड़ा है। ये देख सकते हैं कि काफ़ी मंडी खाली पड़ी है, और माल बिल्कुल भी नहीं है पालने लायक, और बस खरीदारी अपने चल रही है। छोटे जो ढूंढ सकता है छोटे बच्चे इक्का दुक्का वो मिल जाएंगे, और बस पालने लायक वो नहीं है जो अपन क्वालिटी में माल पालते हैं, क्वालिटी में माल आ नहीं रहा है, आज आया नहीं आ नहीं रहा है, मतलब पिछली मंडी में तो था आज नहीं है। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे शेयर कर दे, आपको आगे आने वाले दिन में वीडियो की अपडेट मिल जाएगी जिससे नोटिफिकेशन मिल सके आपको। ये देख सकते भेड़ कट्टू माल, ये अपना जो मैसी होते ये उतर रहा है, गाड़ी में अनलोड हो रही है, कुछ माल आ भी रहा है अभी, और कुछ बड़ी गाड़ी में ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये देख सकते RJ01 ये बाहर जाएगी, काफ़ी बड़े बड़े गाड़ियाँ खड़ी पीछे। गाड़ी का थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का मैं बता दूँ, यहाँ से गाड़ी लगती है जो उनको बाहर दिल्ली मुंबई साइड जो जाती है, जो किराया होता है वो इन हिसाब से किराया लगता है। एक ये बड़ी गाड़ी यूपी की गाड़ी है, ये भी अपने रात के टाइम निकलेगी, जो कहता है कि भाई ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट मिल जाता है यहाँ से, जो बाहर की गाड़ी लेने आती है इनको 2-4 बकरे डालने हो तो वो डाल सकते हैं इनमें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thank you.